हिंदी सप्ताह के तहत आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में शुक्रवार को हिंदी साहित्य समिति कोटा के तत्वावधान में कालेरा वास की बातें पुस्तक के लोकार्पण समारोह रेलवे मंडल कार्यालय में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डीआरएम मनीष तिवारी ने पश्चिम मध्य रेलवे वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक राजकुमार प्रजापत कालेरा वास की बातें पुस्तक का विमोचन किया। मंडल रेल प्रबंधक मनीष तिवारी ने बताया कि पश्चिम मध्य रेलवे वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक राजकुमार प्रजापत कालेरा वास की बातें एक कहानी संग्रह है जिसमें बहुत ही सरल तरीके से 22 कथाएं लिखी गई है। सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसके जितने भी पात्र हैं उनको मैंने करीब से देखा है। मेरा जन्म कालेरा वास नामक एक गाँव में हुआ है जो अभी चूरू कहलाता है। चूरू जिला आपने सुना होगा, चूरू शहर। वो किसी टाइम में कालेरा वास होता था, तो कालेरा वास के ऊपर ही एक शहर बना, तो बाद में चूरूगढ़ हो गया। तो ये कालेरा वास के जो मूल लोग हैं, मूल निवासी हैं, उनकी जीवंत कथाएं हैं और बहुत ही भावनात्मक कथाएं जिसने मुझे प्रेरित किया कि मैं लिखूं उनकी बातों में। पुस्तक लिखी है, ये एक कहानी संग्रह है जिसका शीर्षक है कालेरा वास की बातें। इसमें 22 कथाएं हैं और ये कथाएं बड़ी सादगी से लिखी गई हैं, बड़ी सहज भाषा में लिखी गई हैं। इसमें क्लिष्ट भाषा का इस्तेमाल नहीं है और ये सारी जो है वो गांव के परिवेश से जुड़ी हुई हैं और बड़ी ही मैं कहूँगा कि सार्थक एक इनका प्रयास रहा है।